इसलिए G20 कंट्रीज का जो भी मीटिंग होता है सारी दुनिया के लिए, ग्लोब के लिए एक दिशा निर्देश होता है, एक डायरेक्शन होता है। इसलिए हैदराबाद में जो मीटिंग होगा एग्रीकल्चर मीटिंग्स का, आने वाले दिन में दुनिया के लिए हर व्यक्ति को कैसे फूड ग्रेन सप्लाई होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, दुनिया का कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं रहना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यानी एग्रीकल्चर में अलग अलग देश क्या अपना रहे, क्या टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो सकते, क्या कैसा एक्सचेंज होना चाहिए, धरती को कैसा बचाना चाहिए, धरती को उसका इम्पोर्टेंस बताते हुए कम पेस्टिसाइड से, कम फर्टिलाइजर से, कम केमिकल से कैसा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसा अलग अलग इश्यूज पर जो एग्रीकल्चर मीटिंग्स में डिस्कशन होगा। फाइनल G20 कंट्रीज का एग्रीकल्चर रोड मैप फाइनल डिक्लेरेशन, हैदराबाद डिक्लेरेशन, एग्रीकल्चर G20 हैदराबाद डिक्लेरेशन कभी हैदराबाद से घोषणा होगा। हैदराबाद के लिए ये मीटिंग्स, एग्रीकल्चर मीटिंग्स होना हमारे लिए गर्व है, सारी तेलंगाना जनता के लिए गर्व है। हाईटेक्स में मीटिंग होगा, इस मीटिंग के संदर्भ में अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जो एग्री सेक्टर्स में जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं एग्री विषय पर, उनका भी अलग अलग विषय पर इसमें एग्जीबिशन होने वाला है। ये 4 दिन का मीटिंग, एक दिन पहला ऑफिसर्स मीटिंग, 15, 16, 17 मिनिस्टर्स मीटिंग भारत के इस हैदराबाद में होने वाला है। हम तेलंगाना जनता के ओर से लगभग 29 कंट्रीज का इंडिया से मिलाकर जो हाई लेवल मीटिंग मिनिस्टर्स का होगा, सारी तेलंगाना जनता की ओर से हम उनको स्वागत करने के लिए तैयार रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।